Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजीज। पिछले लेक्चर में हमने वोल्टेज सीरीज फीडबैक के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक। ठीक है, तो वोल्टेज शंट फीडबैक को शंट फीडबैक या फिर ट्रांस रेजिस्टेंस फीडबैक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इनको इन नामों से भी क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पहला टर्म रहता है ये हमारे आउटपुट साइड के लिए रहता है और ये वाला जो दूसरा टर्म रहता है वो हमारे इनपुट साइड के लिए रहता है। ठीक है, आउटपुट साइड में हम क्या करते हैं, इस साइड में सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, और इनपुट साइड में हम मिक्सिंग का काम करते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग मतलब यहाँ पर जो है सेम रूप में यहाँ पर क्या किया जाता है, जो सिग्नल रहता है उसको फीडबैक नेटवर्क के पास पहुँचाया जाता है। और मिक्सिंग का कार्य क्या रहता है कि यहाँ पर जो सिग्नल मिलता है, ठीक है, उसका जो है एड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो सोर्स सिग्नल रहता है उसके साथ, तो ये निगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सिग्नल मिलेगा, ठीक है, उसका मिक्सिंग के रूप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये पहला टर्म जो है वोल्टेज है, तो हम जानते हैं कि वोल्टेज का जो सैम्पलिंग होता है वो क्या होता है, हमेशा जो है शंट में होता है। मतलब शंट कम्बाइनेशन में या पैरेलल कम्बाइनेशन में वोल्टेज क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, और यहाँ पर शंट में हमें क्या करना है, मिक्सिंग करना है यहाँ पर। ठीक है, तो शंट में मिक्सिंग किसका होता है, हमेशा जो है करेंट का होता है। ठीक है, करेंट को ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम कम्बाइनेशन कैसा करते हैं, यहाँ पर शंट वाला करते हैं। ठीक है, पैरेलल कम्बाइनेशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ आउटपुट साइड भी क्या है, सैम्पलिंग जो है शंट में हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है, और इनपुट साइड में जो मिक्सिंग हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है। मतलब इस साइड भी शंट है और इस साइड भी शंट कम्बाइनेशन है, इस कारण इसको जो है शंट फीडबैक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको ट्रांस रेजिस्टेंस फीडबैक क्यों कहा जाता है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ हमने क्या किया है, इनपुट सोर्स के रूप में जो है करंट सोर्स जो है यहाँ पर हमने लगाया है। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में हमें जो है वोल्टेज मिलता है। ठीक है, हमने इनपुट में क्या दिया है, करंट सोर्स दिया है, करंट सप्लाई किया है, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पर जो गेन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का जो है रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये वोल्टेज गेन नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन बोलते हैं। ठीक है, इसको RM से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने इसको AF से ही डिनोट कर दिया है। आप चाहो तो इसको जो है RM से डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आउटपुट वोल्टेज, इस साइड में जो वोल्टेज मिल रहा है, और इनपुट करंट, ठीक है, ये इनपुट करंट किस कंडीशन में है, यहाँ पर IS इक्वल टू IA प्लस ID। मतलब ये क्या है, इनपुट करंट यहाँ पर जो है विथ फीडबैक के साथ लिया गया है। ठीक है, तो ये V अपॉन I जो है रेजिस्टेंस का जो है क्या बताता है, टर्म को बता रहा है। ठीक है, इस कारण इसको जो है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो एम्पलीफायर का जो इफिशियंसी है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के टर्म में जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, इस कारण इसको ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर कहा जाता है। यहाँ पर ट्रांस रेजिस्टेंस का मीन्स होता है ट्रांसफर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रांस कंडक्टेंस गेन है, ठीक है, ये क्या है, विथ फीडबैक गेन है। ठीक है, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन विथ फीडबैक है। अब देखिए, यदि विदाउट फीडबैक के कंडीशन में यदि मैं देखूं, तो यहाँ पर देखिए, विदाउट फीडबैक में यहाँ पर क्या होगा, ये जो IF जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, ये ज़ीरो होता है। ठीक है, विदाउट फीडबैक के कंडीशन में ये वाला, मतलब ये यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, इसको यहाँ पर दिया जा रहा है, ये कहने का रीज़न भी कुछ और है, उसको हम देखेंगे। तो ये ज़ीरो होगा, तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा यहाँ पर। तो ये IS के जगह पर मैं लिख सकता हूँ फिर ID। मतलब ये क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस गेन है विदाउट फीडबैक के कंडीशन में। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, जब इनपुट करंट जो है सोर्स यहाँ पर दिया जाता है तो ये करंट जो है दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर KCL अप्लाई होता है तो यहाँ पर जो IS है वो क्या है, IF प्लस ID का जो है क्या है, सम है। तो ID इस साइड में चला जाएगा और IF जो है इस साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस साइड में जो ID वाला टर्म है तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू आई डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर जाएगा, ये वाला सैम्पलिंग करेंगे हम, वोल्टेज का सैम्पलिंग करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर दिया जाता है। तो ये जो वोल्टेज रहता है वी नॉट, ठीक है, ये फीडबैक नेटवर्क के लिए क्या हो जाता है, इनपुट वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। और ये फीडबैक नेटवर्क क्या करता है, इस वोल्टेज को जो है बीटा टाइम्स कर देता है, ठीक है। और जो बीटा टाइम्स होने के बाद ये जो, ठीक है, वोल्टेज बीटा टाइम्स हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट में जो है करंट मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसके आउटपुट में ये करंट मिला, अब ये करंट कैसे मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि फीडबैक नेटवर्क क्या होता है, रजिस्टर कैपेसिटर और या फिर इंडक्टर से जो है मिलकर बना रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज वी नॉट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रजिस्टर कैपेसिटर या इंडक्टर रहेंगे उसके फॉर्म में ये क्या होगा, यदि मैं इसको रजिस्टर के फॉर्म में कंसिडर करूँ तो रजिस्टेंस इनटू वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो ये क्या देगा, करंट का मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। मतलब फीडबैक नेटवर्क में क्या होगा, कुछ इंटरनल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, करेंट जो है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा करंट में। मतलब इनपुट में हमने फीडबैक नेटवर्क के वोल्टेज दिया और आउटपुट में हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर करंट मिल जाता है। और ये करंट जो होता है यहाँ पर जो IF आता है, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है, ये यहाँ करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था तो इस IF के क्या होता है, यहाँ पर जो है ये बराबर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रजिस्टेंस होगा और वोल्टेज होगा, ठीक है, उसका वैल्यू जो है क्या किया जाएगा, इस तरह मेजर, मतलब इस तरह जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इस तरह रखा जाता है कि यहाँ पर जो करंट आता है IF उसका वैल्यू क्या हो, यहाँ पर जो वोल्टेज इस साइड से आएगा, ठीक है, उसका जब बीटा टाइम्स होगा तो दोनों जो है क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रोसेस। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि वोल्टेज एंड फीडबैक में क्या किया जाता है, कि जो फीडबैक है वो इनपुट साइड में ही दिया जाता है, आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जो ये इनपुट करंट होता है ये वाला, ये किसके बराबर होता है, यहाँ जो वोल्टेज आता है उसके बीटा टाइम्स के बराबर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बीटा का वैल्यू जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह रखना पड़ेगा कि यहाँ जो करंट मिलेगा वो क्या हो, एक मतलब यहाँ जो वोल्टेज आएगा उसको बीटा टाइम्स किए जाने के बाद ये क्या हो, यहाँ पर जो करंट आता है उसकी क्या हो, इक्वल हो, तो ये करंट जो है फिर से इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसकंडक्टेंस गेन क्या होगा, IF प्लस ID हो जाएगा, मतलब IF इसके साथ ऐड होगा, इस टाइप से है। तो विथ फीडबैक के साथ क्या हो जाएगा, ये होगा, और विदाउट फीडबैक के साथ, ठीक है, जो गेन होगा वो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये जो है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है, ठीक है, तो जो फीडबैक नेटवर्क होता है उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो गेन होता है, ठीक है, वो ट्रांसकंडक्टेंस का गेन होता है। ट्रांसकंडक्टेंस का गेन मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट जो वोल्टेज होता है उसको बोला जाता है ट्रांसकंडक्टेंस गेन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज क्या है, इसके लिए है वी नॉट, ठीक है, आउटपुट करंट क्या है, ठीक है, IF है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, जिसको ट्रांसकंडक्टेंस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद रखना है कि यहाँ जो IF आता है उसका वैल्यू जो है, यहाँ जो वी नॉट मिलता है उसके बीटा टाइम्स के जो है क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये जो है इस तरह से इसमें जो है जो रजिस्टर कैपेसिटर या इंडक्टर होते हैं उनको जो है इस तरह से क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंट डाइग्राम से, ठीक है, इसका वोल्टेज गेन और इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर देखिए हम जो फार्मूला डिराइव करेंगे वो आइडियल केस के लिए होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है उसको हम, ठीक है, लगभग जो है क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस गेन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि
ट्रांस सजेस्टेंस गेन जो होता है विदाउट फीडबैक के केस में क्या होता है, ये ए इक्वल टू, ठीक है, आप इसको आर एम और आर एम डेस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, वी नोट अपॉन आई डी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ वी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आई डी हो जाएगा। अब आई डी का वैल्यू मेरे पास क्या है, देखिए आई डी का वैल्यू मेरे पास है आई एस माइनस आई एफ है। ठीक है, यहाँ पर के सी एल से क्या है, आई डी इक्वल टू आई एस माइनस आई एफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डी का वैल्यू आई एस माइनस आई एफ ये, और मैं जानता हूँ कि आई एफ का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये बीटा इंटू वी नॉट है, तो यहाँ पर आई एफ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इंटू वी नॉट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आई एस माइनस ये बीटा इंटू वी नॉट। ठीक है, अब देखिए ये वी नॉट इस साइड है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए बीटा वी नॉट होगा माइनस में और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वी नॉट कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वन बचेगा और यहाँ ए बीटा वी नॉट में से वी नॉट कॉमन निकला तो प्लस ए बीटा बचा। ठीक, इक्वल टू इस साइड में क्या बचेगा, ए इंटू आई एस बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर वी नॉट अपॉन आई एस, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस गेन विथ फीडबैक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ए इस साइड बचेगा अपॉन वन प्लस ए बीटा मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वी नॉट अपॉन आई एस क्या है, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस गेन विथ फीडबैक है, तो यहाँ पर जो गेन है, ठीक है, विदाउट फीडबैक वाला जो गेन है वो क्या होता है, वन प्लस ए बीटा टाइम्स जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक, विथ फीडबैक वाले गेन के साथ, मतलब जब फीडबैक अप्लाई करते हैं तो गेन क्या हो जाता है, वन प्लस ए बीटा टाइम्स जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यही तो हमें चाहिए नेगेटिव फीडबैक में। ठीक, तो अब हम देखेंगे इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो इनपुट इम्पिडेंस के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम हमारे पास है, तो यहाँ पर देखिए इनपुट इम्पिडेंस मतलब क्या, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा उसको क्या करेगा, ये जो है प्रतिबाधा, ठीक है, उसको रोकेगा, तो इसको भी हम यहाँ पर जो हमने इनपुट इम्पिडेंस ये मेजर किया है, मतलब यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया है ये क्या है, विदाउट फीडबैक इनपुट इम्पिडेंस है। ठीक है, तो विथ फीडबैक इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेट आई एफ इक्वल टू वी डी अपॉन आई एस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, विथ फीडबैक वाला जो इम्पिडेंस होता है यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो होता है विदाउट फीडबैक वाला इम्पिडेंस होता है, तो विथ फीडबैक के साथ यहाँ पर जो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो इम्पिडेंस होगा इनपुट इम्पिडेंस वो क्या होता है, विद फीडबैक इम्पिडेंस होता है। ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस होता है, तो यहाँ पर देखिए वी डी अपॉन आई एस, अब हम जानते हैं कि इनपुट इम्पिडेंस होता क्या है, कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये करंट सोर्स है यहाँ से, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी डी होगा, मतलब इनपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर वी डी होगा, यहाँ पर जो है वी एस हमने अप्लाई नहीं किया है, आई एस अप्लाई किया है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी डी होगा, तो ये हमारा वी डी है ये वाला। ठीक है, और जो इनपुट करंट है वो ओवरऑल इनपुट करंट यहाँ पर क्या है, आई एस है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट इम्पिडेंस हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए होते तो ये क्या होता, वी एस होता। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस वी डी इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई डी इंटू जेट आई है, अब ये कहाँ से आया, देखिए वी डी क्या है, वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा ये वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इम्पिडेंस है या रेजिस्टेंस कहूँ, ठीक है, स्मॉल सिग्नल के लिए ये रेजिस्टेंस कहूँ, तो ये रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है, वी डी के, तो वी डी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आई डी इंटू जेट आई। ठीक है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो यहाँ पर आर की जगह पर ये जेट आई हमने इम्पिडेंस कंसिडर किया है, तो यहाँ से हो जाएगा जेट आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, आई डी इंटू जेट आई हो जाएगा, ठीक, अपॉन आई एस का वैल्यू क्या है मेरे पास, आई डी प्लस आई एफ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई एस का वैल्यू क्या है, आई डी प्लस आई एफ, तो मैं ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई डी प्लस आई एफ, आगे देखते हैं जेट आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी इंटू जेट आई, तो आई एफ का वैल्यू क्या है मेरे पास, बीटा इंटू वी नॉट है, मैं जानता हूँ ये आई एफ का वैल्यू क्या है, बीटा इंटू वी नॉट है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वी नॉट का वैल्यू है, यहाँ पर देखिए वी नॉट का वैल्यू क्या है, ए इंटू आई डी है, ए इंटू
आईडी है ये वाला, तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पर वी नॉट की जगह पर ए इंटू आईडी, तो क्या हो जाएगा ये ए बीटा इंटू आईडी हो जाएगा, तो ए बीटा इंटू आईडी ये मैं लिख दिया यहाँ पर से वैल्यू बस पुट किया हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आईडी आईडी कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा आईडी इंटू जेट आई अपॉन आईडी वन प्लस ए बीटा बचेगा, ठीक है। तो ये जेट आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा जेट आई अपॉन वन प्लस ए बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इनपुट इम्पिडेंस है इसका क्या हो गया है वन प्लस ए बीटा टाइम्स जो है डिक्रीज्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जेट आई क्या है इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक है, ठीक है। तो फीडबैक जब अप्लाई किया जाता है तो ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा जेट आई जो है जो पहले इम्पिडेंस था, ठीक है, वो वन प्लस ए बीटा टाइम्स जो है क्या हो जाता है रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब इससे इसको डिवाइड करूँगा तो क्या होगा ये कम होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम समझ भी सकते हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, कि हम जानते हैं कि पैरेलल कंबाइनेशन में क्या होता है इम्पिडेंस जो होता है या रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कम होता है। तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट इम्पिडेंस है वो कम होगा, ठीक है, कम होगा मतलब कम होगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है पैरेलल कंबाइनेशन है, ठीक है। तो इसको हमने मैथमेटिकली भी ये प्रूफ कर दिया कि इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है फीडबैक अप्लाई करने पर रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट इम्पिडेंस भी जो है ये कम ही होगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है पैरेलल कंबाइनेशन में है, ठीक है। तो पैरेलल कंबाइनेशन में जो इम्पिडेंस होता है वो कम होता है, ठीक है, चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा आउटपुट भी जो है कम होगा, मतलब आउटपुट इम्पिडेंस भी कम होगा, इसको भी हम मैथमेटिकली यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आउटपुट इम्पिडेंस की यदि मैं बात करूँ ये वाला, ठीक है, तो ठीक है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सर्किट रहता है हमारे पास उसको क्या करना पड़ता है, उसको थेवेनाइज्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो थेवेनाइज्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट सोर्स रहेंगे चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करेंट सोर्स हो उसको हमें क्या करना पड़ता है, करंट सोर्स रहेगा तो ओपन करना पड़ेगा और वोल्टेज सोर्स रहेगा तो शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स है, ठीक है, ये क्या है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसको इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये करंट सोर्स देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये करंट सोर्स जो है ये क्या कर रहा है आउटपुट वोल्टेज पर जो है डिपेंड कर रहा है ये वाला, ठीक है, मतलब आई एफ इक्वल टू क्या है बीटा इंटू वी नॉट है, ठीक है। तो ये जो करंट सोर्स है ये क्या कर रहा है आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, इस कारण ये क्या है डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है वो देखिए ये जो है इनपुट करंट पर डिपेंड कर रहा है ए इंटू आई डी ये वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है इनपुट करंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो आई एस है ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जो सोर्स है इस कारण इसको हमें क्या करना पड़ेगा ओपन सर्किट करना पड़ेगा, मतलब इसको मुझे ज़ीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ए आई डी जो है, ठीक है, यहाँ से मैं जानता हूँ ये ए आई डी क्या है मेरे पास वोल्टेज है जो यहाँ मिला आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, ये मिला। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये आउटपुट इम्पिडेंस जो लगा है, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद यहाँ जो वोल्टेज बचता है वो क्या होता है मेरा वी नॉट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज है उसके बाद यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो जो बचेगा वो क्या है वी नॉट है मेरे पास, ठीक है। तो ए आई डी यहाँ पर जो वोल्टेज आया वो है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ही है, लेकिन यहाँ ड्रॉप होने के बाद जो ये आया ये क्या है वी नॉट है। तो अब मैं क्या करूँगा इसको देखिए आउटपुट इम्पिडेंस अचीव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा करंट को ओपन सर्किट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को, ठीक है। तो इसको आई एस को मैं ज़ीरो कर दिया, मतलब इसको मैं ओपन कर दिया, ठीक है, इसको हटा दिया। उसके बाद देखिए लोड को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, थेवेनाइज्ड करने के लिए ये क्या होता है रूल होता है लोड को रिमूव करना पड़ेगा, लोड को मुझे मैं रिमूव कर दूंगा हटा दूंगा। और लोड को रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, उसी के मैग्नीट्यूड का यहाँ पर क्या करूँगा एक वोल्टेज सोर्स जो है मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो ये सेम हो गया ये वाला, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स वी नॉट जो है ये मैं लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट जो है थेवेनाइज्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस मीन्स आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करेंट का जो रेशियो होता है उसको आउटपुट इम्पिडेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या होता है वी अपॉन आई,
तो ये सेम है आउटपुट के लिए वी नोट अपॉन आई नोट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट से हमारे पास क्या है, आई एस का वैल्यू क्या है हम जानते हैं, आई एस का वैल्यू ये आई एफ प्लस आई डी है, तो ये मैं लिख दिया हूँ आई डी प्लस आई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आई एस का वैल्यू तो मैं जीरो कर दिया, ठीक है, इसको मैं क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो जीरो कर दिया तो ये क्या होगा, आई डी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा माइनस आई एफ मिलेगा, ठीक है, यही साइड जाएगा तो माइनस आई एफ हो जाएगा। तो आई एफ का वैल्यू क्या है मेरे पास, बीटा वी नॉट है, ठीक है, तो ये माइनस बीटा वी नॉट हो जाएगा, ये माइनस है तो, ठीक। अब फ्रॉम आउटपुट पोर्ट बाई के वी एल, ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, आउटपुट साइड है, ठीक है, ये आउटपुट साइड है, तो यहाँ पर थेवेनाइज कर दिया हूँ ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर के वी एल अप्लाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी नॉट, ठीक है, यदि मैं इस साइड चलूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी नॉट, ये माइनस हो जाएगा आई नॉट इंटू जेड नॉट हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, ठीक, माइनस आई नॉट इंटू जेड नॉट, और यहाँ पर जो वोल्टेज है, ठीक है, प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये माइनस ए इंटू आई डी इक्वल टू जीरो, के वी एल अप्लाई किया हूँ इसमें जस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई नॉट इंटू जेड नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट इस साइड चला, मतलब आई नॉट इस साइड चला गया, आई नॉट इंटू जेड नॉट इस साइड चला गया, तो इस साइड क्या बचा, वी नॉट माइनस ए आई डी, तो ये वी नॉट माइनस ए आई डी, ठीक है, आई नॉट इंटू जेड नॉट इक्वल टू, तो आई नॉट का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, वी नॉट प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई डी का वैल्यू क्या है, आई डी का वैल्यू माइनस बीटा वी नॉट है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, वी नॉट का वैल्यू, मतलब आई डी का वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो बीटा वी नॉट, तो ये ए बीटा वी नॉट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट अपॉन, ठीक है, ये जेड नॉट इधर आ गया ये, ठीक, तो वी नॉट कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या बचेगा, आई नॉट इक्वल टू जेड, सॉरी वी नॉट वन प्लस ए बीटा अपॉन जेड नॉट। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, वी नॉट अपॉन आई नॉट चाहिए, ठीक है, तो वी नॉट इस साइड है, आई नॉट इधर चला जाएगा, जेड नॉट उधर चला जाएगा, और वन प्लस ए बीटा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जेड नॉट अपॉन वन प्लस ए बीटा। अब यही क्या है हमारा आउटपुट इम्पिडेंस है, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट इम्पिडेंस फिर से डिक्रीज्ड हो जाएगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि पहले आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक के केस में क्या था, जेड नॉट था, ठीक है, तो यहाँ पर फीडबैक अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, इतना हो जाता है, तो पहले जो आउटपुट इम्पिडेंस था उसको मैं क्या करूँगा, वन प्लस ए बीटा से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा, पहले से डिक्रीज होगा ही, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो वन प्लस ए बीटा, ठीक है, फैक्टर के द्वारा क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, फीडबैक अप्लाई करने के बाद। तो ये होता है हमारा वोल्टेज संट फीडबैक, ठीक है, का प्रोसेस, ठीक है। तो इसको जो है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी यहाँ पर इसको कहा जाता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम, ठीक है, इसके नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।